नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, एंड्रॉयड ओरियो 8.1 फाइनली MI A1 के लिए आ चुका है। तो यहाँ पे एक मेजर बग है जो MI A1 में 8.1 इंस्टॉल करने के बाद आता है। तो वो बग क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहे, आपको कुछ नया फीचर्स भी बताऊंगा इसके बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक वॉलपेपर सेट किया है। ब्लैक वॉलपेपर सेट करने की वजह से मेरा जो ये नोटिफिकेशन पैनल है वो ब्लैक हो चुका है, और जो ये गूगल फीड है ये भी थोड़ा डार्क, एक्चुअली पूरा डार्क आना चाहिए, थोड़ा डार्क आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मेरा 15% बैटरी है, क्योंकि 15% इसलिए किया कि 100% चार्ज करके मैंने फुल डे यूज़ किया। तो आपको पता चलेगा कि टोटल ये कितना आपको बैकअप देता है अपडेट के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें, इसके अलावा आप जब ये लॉन्चर देखोगे, लॉन्चर लॉन्चर 3 है, नया वर्जन है। प्रीवियस हमारे 8.0 में लॉन्चर 2 था, तो इसमें लॉन्चर 3 को ऐड किया गया है। तो इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन पैनल का जो है ऊपर, ये थोड़ा राउंडेड कॉर्नर इसमें आया गया है। तो ये तो सब नॉर्मल हुआ। चलो सेटिंग्स में जाते हैं और देखते हैं। वहाँ पे सेटिंग्स में आप देखिए, यहाँ पे आपको सर्च करने का डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। पहले यहाँ पे एक आइकन था यहाँ पे, उसको टैप करने के बाद सर्च सेटिंग आता था, तो अभी नहीं, अभी डायरेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो। तो सिस्टम सेटिंग में जाके दिखाऊंगा मैं आपको। सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे आपको 8.1.0 सिक्योरिटी पैच लेवल है जून 5 का। तो अपडेट करने के बाद जून 5 का सिक्योरिटी पैच होगा, आपका एंड्रॉयड वर्जन 8.0 होगा। इसके अलावा आपको कुछ दिखें जेस्चर में, देखेंगे जेस्चर में जो पहले था वो भी अभी भी सेम है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो अब नेक्स्ट हम जाएंगे साउंड्स में। साउंड्स यहाँ पे जो साउंड्स हेडफोन में जो बग्स था वो फिक्स किया कि नहीं, देख सकते हैं आप। ये जो आईफोन के आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ लेआउट है। ये प्रीवियसली भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, तो इसको उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया है। ये क्यों होता है कि हम जो स्क्रीन साइज़ जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको हम स्मॉल करने से ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा तो ये सेम हो जाएगा, अगर मैं स्मॉल सब रखूँगा तो स्क्रीन साइज़ को ये ऐसे आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। जहाँ तक ऑडियो क्वालिटी की बात करें, ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो ठीक से आ रहा है। तो स्पीकर में भी अच्छी तरह से आ रहे हैं और इसमें भी अच्छी तरह से आ रहे हैं। वाईफाई तो मैं यूज़ नहीं करता, मुझे पता नहीं है वाईफाई में कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। पर नेटवर्क जैसे की बात करें, नेटवर्क का स्पीड तो ठीक ठाक आ रहा है, पहले जैसे था अभी भी वैसे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आस्क एवरी टाइम सेट करोगे, तो आप यहाँ पे किसी को कॉल करोगे, समझ लो किसी 198 नंबर पे आपने कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक पॉपअप आता है। पापा आने का कौन से सिम से यूज़ करना चाहते हो आपको पूछेगा। पर आप वहाँ पे आस्क मी एवरी टाइम वो टिक, आस्क डोंट आस्क मी एवरी टाइम बोल के टिक रहेगा, उसको टिक करके आप जियो सेलेक्ट करोगे, फिर भी आप नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे फिर भी आपको आस्क मी एवरी टाइम वो पूछते रहता है। तो आप उसको चेंज करने के लिए डायरेक्ट सेटिंग में जाके आप यहाँ पे से उसको जो सिम यूज़ करते हो उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे और एक चेंजेस ये है कि ये जो इंटरनेट है मैंने ऑफ किया है ना, अभी यहाँ से आप टैप करोगे तो ऑन हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आप इसको फुल पुल डाउन करके यहाँ से करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको फिर से दोबारा यहाँ पे टर्न ऑफ या टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो उस तरह कुछ आपको करना पड़ेगा, टर्न ऑफ के लिए आपको दोबारा पूछेगा तो वो आपको करना पड़ेगा। पता नहीं मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं दिया वो। यहाँ पे आइकन शेप वो भी चेंज कर सकते हो, प्रीवियसली जैसा चेंज कर सकते थे। नोटिफिकेशन डॉट से वॉलपेपर जो पहले थे वही वॉलपेपर है, उसमें कुछ नया नहीं आया है। तो लॉन्चर नया आया है। उसके अलावा ये देखो आप, ये जो आप सेटिंग्स देख रहे हो, पावर मेनू, ये भी नया डाला गया है, प्रीवियसली ऐसा नहीं था, तो इसको भी उन्होंने अपडेट कर दिया है। उसके अलावा आपको मैं जो बता रहा था, बड़ी बग ये है कि आप जब इंस्टॉल करोगे इसको, आपके इनबॉक्स में जितने भी मैसेजेस होंगे पूरे के पूरे डिलीट हो जाएंगे। मेरे इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, मेरे मोबाइल ऑर्डर का बिल था, वो जो SMS आता है डिलीवर रिपोर्ट का वो बिल था, बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट SMS थे, मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं किया था, पर सारे के सारे अपडेट करने के बाद डिलीट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा 14% यहाँ पे बैटरी बचा है,
मैंने चार्ज क्यों नहीं किया कि बैटरी परफॉर्मेंस आपको दिखाने के लिए मैंने फ़ोन को चार्ज नहीं किया था। तो यहाँ पे चलते हैं, बैटरी में चलते हैं, तो आप देख सकते हो मुझे 5 आवर 5 मिनट यहाँ पे स्क्रीन ऑन यूजेज बता रहा है। ये आपको लगेगा शायद कम है, आप नीचे देख सकते हो मैंने 47% तक पबजी गेम खेला है। गेम भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्मूथनेस इम्प्रूवमेंट हुआ है गेम गेम के अंदर। आप जब गेम खेलोगे आपको पता चल जाएगा। देख सकते हो मैंने 100 के यहाँ पे किया था 7 आवर्स अगो, तो यहाँ पे अभी 1 आवर 1 मिनट चलेगा। मतलब लगभग आपको अगर आप नॉर्मल यूजेज करोगे विदाउट गेम तो 7 अबव 7+ आवर्स आपको SOT आराम से मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जो राउंडेड कॉर्नर देख रहे हो इसको चेंजेस किया गया है, यहाँ पे कुछ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में चेंज किया है, बैटरी तो अच्छा से बैकअप आ जाता है पहले के मुकाबले अभी। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल है, तो ये सब चेंजेस मैंने नोटिस किया है। अगर आपने कुछ चेंजेस नोटिस किया तो ज़रूर से मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर आप कोई फेस कर रहे हो बग तो बता देना। उसके अलावा यहाँ पे इंटरनल तो पहले जितने था वैसे ही है। सिस्टम में देख सकते हो यहाँ पे मेरा पहले 12 GB था सिस्टम का, अभी ये घट के 10 GB पे आ गया है। जहाँ तक रैम की बात करें, रैम यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.3 GB, इतना ही था मेरा। 1.3 1.5 GB तक ही पहले भी आता था फ्री, अभी भी 1.3 1.5 तक ही है, कभी कभी 1.5 बताता है, 1.3। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लूटूथ जो हेडफोन यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा खबर है। यहाँ पे आप डेवलपर ऑप्शन ओपन करके यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक। तो यहाँ पे दो उन्होंने ऐड किया है, क्वालकॉम APTX ऑडियो और क्वालकॉम APTX HD ऑडियो। तो इस पे आप सेट करके अपना ब्लूटूथ से आप गाने सुनोगे तो फुल HD में आएगा और बहुत अच्छी क्रिस्प आएगा साउंड, मतलब बफर नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं है, तो इतने ही चेंजेस मैंने नोटिस किया है। और PIP मोड तो पहले भी था इसमें तो और अभी भी है। तो आप अगर वाइट वॉलपेपर पर सेट करोगे तो ये जो नोटिफिकेशन पैनल है ये भी वाइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आते तो ज़रूर से एक वीडियो पर लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा चैनल बहुत दिन से डीमोनेटाइज हो चुका है, क्योंकि मेरे पास वॉच टाइम नहीं है, जो 4000 मिनट्स का वॉच टाइम कहते हैं वो नहीं है तक देखिए। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय।